ओ ॐ तिं नमो अरहन्ताणम् ॐ तिं नमो सिद्धाणम् ॐ तिं नमो आयरियाणम् ॐ ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सवसाहूर्णम् ऐसो पञ्चणमोकारो सपावक सनो मंगलानं च सव्येसिं पढ़ेमं भवई मंगलं पढ़ेमं भवई मंगलं। सामायिक का प्रत्याख्यान कर लेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए। करेमि भन्ते सामा इयम सावज्जम जोगम पच्चखामि जाओ नियमम मुहूर्तम एकम पज्वासामि द्विहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मानसा वैसा कायसा तस्स भन्ते पड़िकमामि निंदामि गरिहामि अपानं वोसिरामि। एक सामायिक कालमान तक 518 पाप सेवन करने का त्याग है। एक घंटे तक अनावश्यक बोलने का त्याग है। एक घंटे तक चौविहार का त्याग है। जैसा कि सभी को शायद विदित होगा, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। और ये जो नवरात्रि होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की, जैसे कुछ दिन होते हैं कॉस्मोस में, एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है। और उनमें यदि मंत्र आदि हम करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और स्पेशली ये 9 दिन के लिए परम श्रद्धे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी विशेष रूप से नवरात्रि के लिए विशेष अनुष्ठान दिए हैं। तो मैं सोचती हूँ आज से हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो नवरात्रि का अनुष्ठान करेंगे, फिर आज थोड़ी सी मंत्र का क्या प्रभाव होता है, क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता।
मानसिक संकल्प, मैं जिस अनुष्ठान को करने जा रहा हूं इससे सारे बाधा विघ्न दूर होंगे। ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होगा, वातावरण अनुकूल बनेगा। शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, मानसिक प्रसन्नता का विकास होगा। भीतर की शक्तियों का जागरण होगा। आभा मंडल पवित्र बनेगा। इन्हीं सब शुभ संकल्पों के साथ हम जप करेंगे। चंदे सुनिमलयरा आई जे सुअहियं पयासरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा आई जे सुअहियं सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा आई चे स्वयं पयासरा, सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा आई चे स्वयं सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं, चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं, चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा अग्रिम आई चे सुअहियं पयासय सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आई चे सुअहियं पयासयरा सिद्धा
सिद्धा सिद्धिम आई चे स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिमभिषन्तु आई चे स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिमभिषन्तु आई चे स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिमभिषन्तु आई चे स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिम 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 आई चे स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिमभिषन्तु आई चे स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिम आई चे स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिम अग्रिम सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिमभिषन्तु सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिम सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिम सागरे वरे गंभीरा सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिमभिषन्तु सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिम सागरे वरे गंभीरा सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिम सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिम सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिम सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिमभिषन्तु सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिम सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिम अग्रिम आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु आरोग्य बोहि लाभम
आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमम् दिन्तु 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 आरोग्य बोहिलाभम। अग्रिम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं। अग्रिम चन्देषु निम्मलयरा आयिचे स्वह्यं पयासयरा सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिचे स्वह्यं पयासयरा सागरे वरे गंभीरा चन्दे सुनिं मलयरा आईचे सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिं मलयरा सागरे वरे गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिं मलयरा आयिचे स्वह्यं सिद्धा सिद्धिं। अग्रिम ॐ ह्रीं क्लीं क्षीं धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमः सन्ति जस धम्मे सयामणो जहादुमस्स पुप्फेषु भमरो आव्ययैरसं नय पुप्फं किला मेयि सोऽपिणेहि अप्ययम् एमे एषमणामुत्ता ये लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुप्फेषु दानभत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोयुवहं मयि महागणे सुरीयन्ति
फेसो भमरा जहाँ महुकार समा बुद्धा जे भवंती अणिसिया नाना पिंड रया दंता तेण उच्चंती साहुणोक्ति बेमी। उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम घनमुक्कं मङ्गलकल्याणयावासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिञ्जोषयामणवो तस्य गहरोगमारी तिथौ दूरे मन्तो पुच्छपणामो वि बहुफलो होई धरतिर्ये सुवि जीवा पावन्ति न दुःख दोहग्गं तुह सम्मते लद्धे चिन्तामणिकपपायवभये पावन्ति अविघेणं जीवाऐरामरं ठाणम् इह सन्तु महायस भाति भरनिभरेण हियेण तादेव भवे भवे पास जिन ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमियोण पास विसहर वसह जिन पुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुक्कं विसारविसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणवो तस्य गहरोगमारी तिथौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो वि बहुफलो होई धरतिर्ये सुवि जीवा पावन्ति न दुःख दोहग्गं तुह सम्मते लद्धे चिन्तामणिकपपायवभये पावन्ति अविखेणं जीवाऐरामरं क्षाणम् इह सन्तो महायस भक्तिभरनिभरेण हियेण तादेव ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमियोण पास विसहर वस जिन फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुक्कम् विसारविसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विसहरभुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणवो तस्य गहरोगमारी दुःखजराजन्ति उवसामं तिथौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो वि बहुफलो होई तरतिर्ये सुवि जीवा पावन्ति न दुःख दोहग्गं दुह सम्मते लद्धे चिन्तामणिकपपायवभये पावन्ति अविखेणं जीवाऐरामरम् इह सन्तो महायस भक्तिभरनिभरेण हियेण तादेव बोहिं भवे भवे पास जिन चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमियोण पास विसहर वश जिन फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुक्कं विसारविसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासम् विषहरपुलिङ्गमन्तं तस्य गहरो दुःखजराजन्ति उवसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो वि बहुफलो होई धरतिर्ये सुवि जीवा
पावन्ति न दुख दोहगम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कपाय वफये पावन्ति अविघेणम जीवा अरामरम धानम इय संतो महायस भक्ति भरणि भरेण येन ना देव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जिन चंद ओम रिम श्रीम अरहम नमियोण पास विषहर वस जिन फुलिंग रिं श्रीं नमः ओम उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कमघनमुक्कं विसार विसन्निन्नासं मंगलकल्याणयावासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारयि जोषयामणो तस्य गहरोगमारी दुःख जरा जन्ति उवसामं तीर्थो दूरे मन्तो तुच्छ प्रणामो भी बहु फलो होई दर तिरिये सुवी जीवा पावन्ति न दुख दो हगम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप पाय वफये पावन्ति अविघेणम जीवा अरामरम धानम इय संतो महायस भक्ति भरणि भरेण येण तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जिन चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमियोण पास विषहर वस जिन फुलिंग रिं श्रीं नमः विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणयो लख समरण किया सरय अचिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणयो लख समरण किया सरय अचिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण गुणयो लख समरण किया सरय अचिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणयो लख समरण किया सरय अचिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणयो लख समरण किया सरय अचिंत्या काम सरय अचिंत्या काम ओम अरहम ओम अरहम। इस मंत्र की स्थापना या ये मंत्र का क्यों दिया आचार्य जी ने, थोड़ा सा मैं यदि आप लोगों को बताऊं, 98 की बात है। पहले तो अपन देखें भगवान महावीर के समय ही देखें एक बार। महावीर के समवसरण में गोसालक आया, दो मुनियों को उसने जला दिया। भगवान महावीर पर भी उसने तेजोलेश्या का प्रयोग किया, लेकिन तीर्थंकर की अकाल मृत्यु होती नहीं है। थोड़ा सा इफेक्ट तो हुआ उस तेजोलेश्या का, और उन्होंने दवा का भी प्रयोग किया था उस समय। मैं बात ये बता रही हूं, 98 की बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजे हुए थे और एक आवाज आती है, पट्टे को खिसका लो। जहां भी विराजे थे आवाज आती है, पट्टे को खिसका लो। तीन बार आवाज आई, आचार्य जी उठे। दिन का नवरात्रि का एकम का दिन था,
उठे और दो दरवाजा छोड़ करके तीसरे दरवाजे के पास पट्टा लगा लिया। लगभग 12 में 10 कम माँ श्रमण जी भी विराजे हुए हैं, साथी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी थे और आचार्य महाप्रेकी जी। 12 बजती है, उसी समय एक समणी जी जो यहाँ आई हुई हैं, समणी मंगल प्रज्ञा जी, वो लाडनो जाने के लिए, ये सरदार शहर की घटना है, लाडनो जाने के लिए मंगल पाठ सुनने आए और वहां बैठे वंदना वहां किया जहां आचार्य श्री का पहले पट्टा था। अचानक पता नहीं जो भी हुआ, एकदम से जंप मार के साध्वी प्रमुखा श्री जी जो विराजे हुए थे उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जलती भट्टी में डाल दिया गया हो। आचार्य जी को समझते देर नहीं लगी, आचार्य जी ने उस समय मंत्र का प्रयोग किया। एक मंत्र सुनाया, दो मंत्र सुनाया, तीन मंत्र सुनाया और उस समय समणी मंगल प्रज्ञा जी को साक्षात पद्मावती देवी उनके सामने खड़ी है और आचार्य जी के पट्टे को भी, उसको खुला रख ले, आचार्य जी के पट्टे को भी, हाँ आचार्य जी के पट्टे को भी पकड़े हुए हैं, वो जो देवी थी आचार्य जी के पट्टे को पकड़ी हुई है। और एक मुनि जी थे जिनका नाम जय मुनि है, वो ध्यान कर रहे थे कमरे में, खुद देवी प्रकट हुई और उस मुनि जी से कहा, यहां क्या बैठे हो, बाहर जाओ। अब देखिए, और जब मंत्र आचार्य सी एक सुनाए, दो सुनाए, तीसरा सुनाए, तीसरा जब सुना रहे थे उस देवी शक्ति ने मंगल प्रज्ञा जी से कहा कि पहले वाला जो मंत्र था उसको फिर से सुनो, और आचार्य सिंह ने वो मंत्र सुनाया। देखने वाले लोग कहते हैं जितना जोश के साथ आचार्य सिंह ने उस दिन मंत्रों का प्रयोग किया, लाइफ में कभी भी आचार्य सिंह को उतना जोश में किसी ने नहीं देखा। दूसरे दिन आचार्य सिंह का जो प्रवचन था, आचार्य सिंह ने कहा, आज तक हमारा बाल बांका न कोई कर पाया है और न भविष्य में कोई कर पाएगा, और कोई यदि हमको भिखारी सोच रहा है वो भूल कर रहा है। भिखारी का मतलब भाई हमारे पास आत्मिक खजाना है, हुआ क्या, किसी ने मूठ का प्रयोग किया, मारने के लिए मूठ का प्रयोग किया था। और इतना ही नहीं, वो समणी मंगल प्रज्ञा जी का शरीर जल भी गया। अब मतलब काफी जो जलने के बाद जो स्थिति होती है वैसा हुआ, और जिसने प्रयोग किया वो 100% निश्चिंत था कि ये मेरा प्रयोग, ये मेरा वार खाली नहीं जाएगा। उसी भवन में एक छोटी सी कोठरी थी, उस कोठरी में लिख भी दिया था, महाप्रज्ञ तेरी मौत, महाश्रमण तेरी मौत। काफी पूरे उस छोटी सी कोठरी को पहले से ही लिख दिया था वो भी। और आचार्य सी दूसरे दिन ये भी बोले, आचार्य सी को एक महाप्रज्ञ जी के लिए मैं यदि कहना चाहूं, वो बिना कान से सुन सकते थे, बिना आंख से देख सकते थे। घटना कोई भी घटित होती, जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी की जैसे सारा की सारा उनके सामने चलचित्र की भांति आ जाता है। और आचार्य सी को पता भी चला कि किसने किया, लेकिन महापुरुष तो कुछ ऐसे बताते नहीं है। हाँ इतना है, देखिए चलिए पर्सनल बात है, सामने वाले का नहीं बताते हैं, तो मैं बात बता रही थी, उस समय आचार्य श्री ने श्रावक समाज के लिए भी ये मंत्र दिया, क्योंकि ये एकम का जो दिन होता है, यदि किसी के कोई ज्यादा शुभचिंतक है, शुभचिंतक यानी कोई किसी पर विशेष किसी की दृष्टि है और किसी तांत्रिक आदि का सहारा लेते हैं, तो तांत्रिकों के लिए भी विशेष दिन होते हैं।
चतुर्दशी का दिन, अमावस्या का दिन, और ये जो नवरात्रि, नवरात्रि में भी एकम का दिन, एकम का दिन कोई यदि नुकसान करना चाहे तो काफी ये हार्मफुल कर सकता है। तो आचार्य जी ने ये जो अनुष्ठान है ये विशेष रूप से 9 दिन करने के लिए ये अनुष्ठान दिया है। तो आज से हम इसको 9 दिन आज शुरुआत कर दिए हैं। वैसे रात को ठीक 9 से 10 का 1 घंटे का अपन समय रखेंगे। दूसरी बात देखिए, नवरात्रि के समय कोई भी अपन जाप करते हैं, जैसे मंत्र आदि को जैसे सिद्ध, हाँ एक और उसी घटना के साथ एक बात और बताना चाहूंगी मैं। कुछ ही दिन बीते होंगे, 5-10 दिन, कोई पहुंचा हुआ एक व्यक्ति आया था आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री से उसने एक बात कही, उस समणी जी को आप मंत्र नहीं सुनाते, 10 मिनट में वो समणी जी का काम तमाम हो जाता। बचाया किसने? मंत्रों ने। मंत्र को देखें अपन, ऐसा कोई ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे मंत्र से जिसका समाधान ना हो। अपने जो 12 अपन आगमों की जो बात बोलते हैं, एक था देखिए 14 पूर्व, आगमों में भी देखिए अपन 14 पूर्व, 14वां जो पूर्व था दृष्टिवाद, और उसमें केवल मंत्रों की ही व्याख्या थी। वो लुप्त तो हो गया, अभी है नहीं। अपने सारे यदि जैनाचार्यों को देखें, जो पहले के जो आचार्य थे, जैनाचार्य थे, इतने चमत्कारिक थे, सारे के सारे आचार्य विद्याधर होते थे। ऐसा मंत्र का उनके पास खजाना था, और चमत्कार के भी ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती है। अब मंत्र है क्या चीज? शब्दों की संरचना। वो कहा जाता है मणि मंत्र मौषधीनाम अचिंत्य प्रभावः। मणियों का, मंत्रों का और औषधि का अचिंत्य प्रभाव होता है। अचिंत्य यानी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रभाव मंत्रों का होता है। अब रही बात, सारे की सारे मंत्रविद आचार्यों में भी देखें अपन, देखिए जयाचार्य स्वामी के समय भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलती है। एक बार बिदासर में रात का समय था, लगभग शायद 2:30-3 बजी होगी, आसमान से अंगारे बरसने लगे। अंगारे बरस रहे हैं, एक-एक संत बेहोश होते जा रहे हैं। जयाचार्य स्वामी ध्यानस्थ बैठे हैं, और जयाचार्य स्वामी के लिए कहा जाता है देवता आकर के उनके बहुत बार पगचंपी तक करते थे, पैर दबाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, जयाचार्य स्वामी पोढ़ा गए और कोई देवता आकर के पगचंपी कर रहा है। थोड़ी उनको नींद आ रही थी, सोचा कोई संत बैठ करके दबा रहा होगा। बोले मुझे नींद आ रही है, छोड़ दो। वो जो पगचंपी करने वाला, थोड़ी देर के लिए छोड़ा, 5-1 मिनट, फिर करने लग गए। दूसरी बार फिर कहा, छोड़ दिया। तीसरी बार फिर करने लग। जयाचार्य स्वामी आंख खोल के देखते हैं, भाई सामने वाला संत सुन क्यों नहीं रहा है? कौन था वहां? स्वयं आचार्य भिक्षु के लिए कहा जाता है, आचार्य भिक्षु से 29 टाइम्स, जैसे आमने सामने अपन बैठे हैं, ऐसे वो वार्तालाप किए हैं। और कितनी बार किए हैं पता नहीं, इतना तो उल्लेख आता है। तो वो जो अंगारे बरस रहे थे, और जयाचार्य स्वामी उस समय क्या किए, ध्यानस्थ, और तुरंत उनके एक गीत की रचना, यानी जोर जोर से एक गीत बोलते चले गए। मुणिंद मोरा की ढाल, उसको कहते हैं मुणिंद मोरा की ढाल। सारे संत बेहोश हो गए, और अंतिम समय में ये जो मघवा गणी, उनके बाद के जो आचार्य थे मघवा गणी, वो तो छोटे थे, एकदम से अंगारे बरसते हुए देखे, एकदम जोर से चिल्लाए। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ध्यान लीन हो जाता है, उस समय बोलते हैं उसके अंगूठे को यदि टच कर दो, या कायोत्सर्ग में ध्यान में गहरे में चला गया है, वापस नहीं आ रहा है,
तो क्या करना चाहिए? उसके अंगूठे को टच कर देना चाहिए। तो वो संत इतने जोर से डरे और जयाचार्य को पकड़ने के लिए गिरे तो उनके अंगूठे का स्पर्श हो गया जयाचार्य स्वामी का। जयाचार्य स्वामी ध्यान में थे और जैसे ही देखा घटना की उनको जानकारी हो गई और उसी समय उन्होंने गीत की रचना की, मुड़िंद मोरा की ढाल, और वो जो उपद्रव हो रहा था वो शांत हो गया। किससे हुआ? जी मंत्र से। मंत्र से कोई व्यक्ति किसी का अनिष्ट भी कर सकता है और किसी का इष्ट भी कर सकता है। तो कम से कम हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपना ओरा को पवित्र बनाने के लिए, अपने भीतर की तेजस शक्ति कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, बाधा विघ्न को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंत्र का थोड़ा सा भी, मंत्र का प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए। आचार्य तुलसी के समय भी देखिए, एक संत को लू लग गई, लू लग गई और ऐसा लगा उस संत जाने वाले हैं, और साथ में एक उपद्रव और हुआ, एक मूत्रावरोध हो गया। अब ऐसा संत ने सबसे कमत खामना कर ली, उसने कह दिया कि भाई मैं जा रहा हूं। आचार्य तुलसी को पता चला, आचार्य तुलसी ने ओघा, ओघा तो जानते हैं आप लोग, ओघा का एक धागा तोड़ा, कुछ गुनगुनाए, अब क्या मंत्र बोले पता नहीं, उस धागे को कहा उस संत को बांध दो उनके किसी भी अंगुली में या अंगूठे में। विद इन 5 मिनट के भीतर संत क्या हो गए? स्वस्थ हो गए। किसे हुआ? मंत्रों का चमत्कार। आप बोलेंगे समरी जी हम करते तो हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। अब देखिए ये होता कुछ नहीं है, कारण क्या है? जी देखो जब तक मंत्र के साथ हमारी भावना नहीं जुड़ेगी, उच्चारण की शुद्धि नहीं होगी, हमारी एकाग्रता नहीं होगी, सिर्फ कोरा शब्द बोलने से कुछ भी नहीं होगा। हालांकि देखिए शब्द का अपना इफेक्ट होता है, सिर्फ शब्द होता है, एक व्यक्ति बिगड़े हुए काम को सुधार देता है, सिर्फ शब्द होता है सुधरे हुए काम को, सिर्फ शब्द होता है दुश्मन को भी मित्र बना लेते हैं, और सिर्फ शब्द होता है मित्र को भी, खेल सारा किसका? शब्दों का। और किसी को देने के लिए आपके पास है तो क्या चीज है? देखिए सबके पास सब कुछ है, आपके पास सामने वाले को देने के लिए कोई चीज है, वो क्या है? सिर्फ शब्द। लेकिन उस शब्द में भी हम क्या करते हैं? दरिद्रता। आपके पास पैसा है, ठीक है, उस पैसा आप किसी को दे नहीं रहे, यदि उसका कोई एटीट्यूड दिखाता है, आप किसी को देने नहीं जा रहे हैं, वो किसके पास है? आपके पास है। जो कुछ भी है वो आपके पास अपने पास है, उसके लिए हम सामने वाले को छोटा माने, बड़ा माने, किसी प्रकार का अजीब सा व्यवहार करें, क्यों? तो मैं शब्द की बात कह रही थी, तो ये अब करते भी हैं हम। जा अब शब्द में भी क्या? अक्षरों की संरचना, अक्षरों की संरचना वही है। देखिए क ख ग घ ड़ा, ये जो अल्फाबेट है वही है, उनको किस ढंग से रचा जाता है, कैसे किस ढंग से उनको वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो हो कामेनम, एक आता है, देखिए व्यक्ति कुछ होने की इच्छा करता है तो हो कामेनम, भगवान कहते हैं आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हो। किससे? बहुत सारे टिप्स हो सकते हैं, उनमें एक है मंत्र। अब जैसे अपन ले नमो अरहंताणम, मुझे नहीं पता 5 पद आप लोग प्राय, मेरे ख्याल से जैन है तो सभी बोलते ही बोलते हैं, एक परंपरा से बोलते आ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? नौकार मंत्र की माला आप लोग सभी फेरते होंगे, फेरते हैं मंत्र, बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? बोलना चाहिए इसलिए, जैनी है हैं? सोगन लिए भी नहीं तो बोलते मन स्थिर करते हैं।
हाँ, मन को स्थिर करता है, राइट। देखिए, सिर्फ मन की स्थिरता के लिए कवच की तरह है, सबका मंगल। सबका मंगल हो, इसलिए हम नवकार मंत्र बोलते हैं। सही है, बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, किसी का कुछ भी मकसद नहीं होगा, बस बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है जहां तक मैं सोचती हूँ। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है, माला फेरते हैं आप, फेरते फेरते यदि 3-4 प्रकार की माला आप फेरते हैं, मेरे ख्याल से माला पूरी होते होते या अधूरे में भी ये भूल जाएंगे कि कौन सा हम कौन सी कर रही थी, नमो अरिहंताणम की माला फेर रही थी या सिद्धाणम की माला फेर रही थी। कई बार फेरते फेरते माला क्या होता है, नीचे गिर जाता है, जो काउंट करके फेरते हैं वो कहाँ से उठाएंगे पता है? वो पता नहीं आपके 10 मणियां गिने हैं या 20 मणियां गिने हैं सीधा, वो तो बड़े खुश हो जाएंगे, चलो 8-10 मणियां और हमारे आगे चले गए माला फेरते फेरते, झपकी भी ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, होता है नहीं होता है? तो ये ऐसा सब करेंगे ना, तो मैं कई बार बोलती हूँ, जैसे एकाग्रता की बात बोले शांति चंद जी, बात यह है, देखिए आप कोई भी काम करते हैं, बच्चा पढ़ाई करता है, आप लोग ड्राइविंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, खाना बनाते हैं, मन यदि इधर उधर है, क्या वो परफेक्शन उसमें आएगा? बाकी सब चीज में आप एकाग्र होके करेंगे, लेकिन जहां माला फेरना है, ध्यान करना है, तो मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे, वहां पर जो रिजल्ट आना चाहिए आता नहीं है। एक बार साध्वी प्रमुखा श्री जी जो वर्तमान में है, आचार्य महाप्रज्ञ जी से एक बात पूछे, आजकल लोग खूब मंत्र जाप करते हैं, पहले की घटनाएं तो अपन सुनते हैं भाई 5 मिनट क्या और ये हो गया वो हो गया, आजकल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? दुख घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। आचार्य श्री ने एक बात कही थी, सही ढंग से नहीं करते हैं, विधि की जानकारी नहीं है। किसी भी चीज के लिए विधि की जानकारी होना जरूरी है। अभी आप लोग बोल रहे थे धम्मो मंगल मुक्तिथम अहिंसा संयमो, तो पता है इसमें क्या है? इस एक श्लोक में, 5 नहीं, सिर्फ एक श्लोक में सोना बनाने की विधि है। सोना, गोल्ड, सोना, सोने वाली बात मत सोना। देखिए जहां तक सोने की बात है, वो एक बहुत सुंदर कहावत है, दोहा है, सोना जब तुम थे नहीं सोते थे आराम, सोना जब तुम आ गए सोना हुआ, वो भी सोना है और ये भी सोना है, वो सोना आ जाता है तो ये सोना हराम हो जाता है। गोल्ड बनाने की विधि सिर्फ इस एक श्लोक में है। आप बोलो स्वामी जी हम खूब धर्म ध्यान करेंगे, बस वो विधि हमको बता दो। चीजें तो है लेकिन अभी विधि की जानकारी नहीं है। तो विधि के साथ हम कोई भी चीज कर रहे हैं, एक तो प्रयास करें, टाइम वेस्ट ना करें। भले आप 5 मिनट जाप करो, क्वांटिटी में मत जाओ, किसमें जाना है? आप 10 ऐसे वैसे कपड़ा खरीद के लाना पसंद करेंगे या एक ब्रांडेड ड्रेस, मान लो आपके पास जितना भी है, ठीक है, $100 है, $200 है, कपड़ा खरीदने गए, क्या करेंगे आप? 10 कपड़े लाएंगे, 10 ड्रेस लाएंगे या एक? है कैसे, जरूरत है उस हिसाब से लाएंगे। फिर भी आज का जमाना क्या है, ब्रांडेड, हम हर चीज ब्रांडेड देखते हैं, लेकिन हमारे नेचर को ब्रांडेड बनाए, ये नेचर को ब्रांडेड कौन बनाएगा? ये जाप और ध्यान, ये जितना हम इसमें डूबेंगे उतना किसमें चले जाएंगे, हम ब्रांडेड बनते चले जाएंगे। तो पहली बात देखिए, मंत्रों की जहां तक बात है, क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद स्पष्ट रहे, मैं किस चीज के लिए कर रहा हूं। अब मान लीजिए जैसे आपको लगता है, जैसे नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम 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 1000 बार बोलेंगे, क्या होगा? अरिहंत की जो क्वालिटी है वो आपके भीतर आता चला जाएगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बार फरमाए थे, 50 साल तक उन्होंने नमो अरिहंताणम का डेली 1 घंटा जाप किया है, डेली 1 घंटा सिर्फ नमो अरिहंताणम, 5 पद का नहीं,
नमो अरिहंताणम का 1 घंटा जाप। किस लिए? आज हर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? अरहत बनना, वीतराग बनना। और प्रवचन भी जब वो शुरुआत करते थे किससे करते थे? सिर्फ 3 बार नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, जो संस्कार चैनल में प्रवचन आता था, आचार्य जी को लगता है पूरा मंत्र नौकार मंत्र आता है? नहीं, उसने अपने मम्मी से कहा मैं पूरा कर देता हूँ। अरहत का ध्यान, अरिहंत का ध्यान क्या बन जाएंगे? अरिहंत बन जाएंगे। तो आचार्य श्री में जो क्वालिटियां थी उसका रीजन क्या था? उसी का ध्यान करते थे, खुली आंख से भी देखे, बैठे भी हैं। बहुत बार हमने देखा स्टेज पे जब प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम, सामने हजारों की संख्या में लोग हैं, आचार्य जी की आंखें खुली है, परम श्रद्धे आचार्य महाश्रमण जी को कुछ बात कहनी होती, अब खुली आंखें पास में बैठे हैं तो क्या सोचेगा इंसान? कॉन्शियस में है वो बात बोलते, आचार्य जी कभी जवाब नहीं देते थे। इसका मतलब किस में चले गए हैं? खुली आंखों से वो ध्यान में चले गए। बार 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 जिसका भी वो कहा जाता है तम मुत्ति तच्चित्ते तल्लेसे, देखिए जिसका भी आप ध्यान करना चाहते हैं तम मुत्ति उसी मय बन जाओ। हमारी सारे जो चित्त है चेतना है किसमें लगा दें? उस आराध्य के प्रति जैसा आप बनना चाहते हैं। हमारी सारी लेस्या, सारा अध्यवसाय किसमें हो जाए? अपने आप को समर्पण कर दो, डूब जाओ। डूबते तो हैं किसमें? नहीं नहीं संसारिक जीवन में भी छोड़ दो। आज सबके उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है। अब देखिए आप मंत्र जाप किसका कर रहे हैं? सामने वाले की नेगेटिविटी का जाप कर रहे हैं। देखिए ब्रांडेड क्यों नहीं बन पाते हैं? उसका सामने वाले का कुछ बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, क्या होना है? ट्रांसफर हो गया उसके सारी क्वालिटी। जो नेगेटिविटी है जिस पर आपका फोकस हो रहा है वो किस पर ट्रांसफर हो गया? आ गया। जिस चीज को आप बार 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 देखते रहेंगे वो चीज एक न एक दिन आना ही है। और इस चीज को आप यदि आपने एनालिसिस नहीं किया है तो इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं, 100% आएगा। क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं? वो जाप कर रहे हैं। किसी भी एक 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 अक्षर को आप बार 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 बोलेंगे तो क्या होगा? वैसा होना ही होना है। एक शिष्य बहुत चंचल था, गुरु से कहा कि भाई, गुरु ने देखा इसको साधना में लगाना है, लगाऊं कैसे? वो खाली चंचल ही नहीं, वो जानवरों में रुचि रहता था, खेलना कूदना। गुरु ने कहा देखो एक काम करो, तुमको बैल का ध्यान करना है। उसने कहा ठीक है भाई, बैल का ध्यान तो कर लूंगा। अब ध्यान इस बैल जानवर की बात आई तो मुझे एक बात भी याद आ गई। एक बार किसी एक ने साधक ने गुरु से कहा मुझे मंत्र चाहिए आत्म साधना के लिए। बोले मंत्र तो दे दूंगा, बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए, दिमाग में बंदर ना आए। अब जैसे ही वो बैठता क्या हुआ? सैकड़ों बंदर दिमाग में नाचने लग गए। हटाने का प्रयास कर रहा है तो भी संख्या बढ़ती जा रही है, भले कम नहीं हो रही है। गुरु से कहा आपका मंत्र ले लो। पता नहीं बंदर को लाइफ में कभी नहीं याद किया, और जैसे ही कर रहा हूं वैसे बंदर ही बंदर आ रहे। अब उस शिष्य से गुरु ने कहा जाओ गुफा में चले जाओ, बैल का ध्यान करो। कितने दिन तक? 7 दिन तक। मजा आ गया उसको, बैल को तो देखने में आनंद ही आएगा, आंख बंद करके सिर्फ बैल को ही देख रहा है, बैल का ही ध्यान कर रहा है। 7 दिन बाद गुरु ने उसको आवाज दी। उसने कहा तैत गुरुदेव, बोले आ जाओ, क्या कर रहे हो अंदर? वो उठ करके आने लगा, गुफा का द्वार छोटा है। गुरु ने कहा क्या हुआ? बोले मैं आ नहीं पा रहा हूं। क्यों भाई? बोले मेरे सिंह अटक रहे हैं।
अब वो 7 दिन तक बैल का ध्यान करते करते क्या हो गया, बैल बन गया। ऐसे देखने में बैल नहीं बना है, नेचर से क्या आ गया, बैल बन गया। जिसका भी ध्यान करोगे वैसा बन जाओगे। इसके लिए ध्यान किसका करना चाहिए, अर्हत का करोगे तो अर्हत जैसे बन जाओगे। जिनको लगता है हमारे भीतर सहिष्णुता बिल्कुल जीरो है, अब महावीर का ध्यान करो। भगवान महावीर के 12.5 वर्षों की साधना को यदि हम एक शब्द में कहें, वो शब्द क्या है, सहिष्णुता की साधना, समता की साधना। हमारे भीतर यदि टॉलरेंस पावर नहीं है, हम ध्यान करें महावीर का। जिनको लगता है हमारे भीतर बल नहीं है, किसका ध्यान करें, बाहुबली का। ऐसा लगता है पानी का ग्लास उठाने में भी जोर पड़ता है। कुछ लोग चाहते नहीं है, वो अलग बात है, देखिए होता तो है, लेकिन शरीर को कहीं किसी प्रकार का तकलीफ ना हो जाए। एक बार मैंने, हम गोचरी गए थे, मैंने देखा एक लड़की बहुत दूर से ऐसे से कुछ कुछ, वो किचन में मतलब गैस में ऐसे दूर से कुछ कुछ कर रही थी। मैंने कहा भाई, पूछ लिया मैंने क्या बात है, बोले समझ जी उसकी गर्माहट से बाल खराब हो ना हो जाए। अब कोई करना ही नहीं चाहता है। फिर मैंने कहा भाई ससुराल जाके फिर बनाना पड़ेगा ना सब्जी, बोले समझ जी ऐसा ससुराल जाना ही नहीं है जहाँ कुछ बनाना पड़े। बोले काम वाले को रख लेंगे। खैर मैं बता रही थी, जिनको लगता है जैसे चाहे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर है, किसका ध्यान करें, शीतलनाथ का, या शांति चाहते हैं शांतिनाथ का। सामने वाले की जो क्वालिटी है, हाँ भगवान पार्श्वनाथ वो किसके लिए फेमस है, विघ्नहर्ता, बाधा विघ्न निवारण करना है तो हम ध्यान करें पार्श्वनाथ का, सारे बाधा विघ्न दूर हो जाएंगे। जो भी करेंगे वो सब होना ही होना। तो अब रही बात, देखिए कहाँ करें, कैसे करें, कितना करें, कब करें। कब की जहां तक बात है, जब भी समय की अनुकूलता हो। मैं बोलूंगी सुबह 4 से 6 करो, आप उठते 6 बजे हैं, बोलेंगे समणी जी वो पॉसिबल नहीं है, क्या होगा, गया फिर टाइम। जब भी आपके समय की अनुकूलता हो, ऐसा नहीं कि आप कोई आने वाला है, कोई घंटी बजा रहा है, फोन बज रहा है और सारा हमारा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, ऐसे समय पर ना करें। एकदम ऐसा लगता है कि अब तो आधा घंटा एकदम शांति है, जब भी आपके पास समय की अनुकूलता हो, ठीक है। क्यों करें, जिस चीज के लिए करना चाहते हैं, कोई समस्या है तो उसके लिए करें, स्वास्थ्य की समस्या है तो उसके लिए करें। अब जैसे जहां तक स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बात है, देखिए जिनको नींद नहीं आती है, आप ये चैता भारम वासम चक्रवर्ती मोहिध्यो संति संति करे लो ये पत्तो गई मनोत्तरम, ये कैसी भी भयंकर अनिद्रा की स्थिति है, इस मंत्र से आपको नींद आनी ही आनी। किसी को लगता है मेरा डाइजेशन सिस्टम वीक है या खाना अधिक हो गया, देखिए खाना अधिक हो गया, बहुत ज्यादा अजीर्ण जैसा हो रहा है, सिर्फ वो मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब छोटा सा मंत्र है, ओम कले विकले स्वाहा, बस उसको बोलते हुए पेट में हाथ फेर दो, 10 मिनट में ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। छोटे छोटे मंत्र और इतने पावरफुल। तो बीपी हाई है, बीपी लो है, अब जैसे बीज मंत्र वगैरह है, अच्छा बीमारियां भी होती क्यों है, रेसिस्टेंस पावर जिनका वीक होता है बीमारियां हो जाती। अब रेसिस्टेंस पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, देखिए ह और र, जैसे राम रिम रुम, ये व्यक्ति का रेसिस्टेंस पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, ओरा को क्लीन करता है। अपन नौकार मंत्र को चमत्कारिक मानते हैं और महामंत्र मानते हैं, कहीं कहीं जैसे निरुक्ति भाष्य आदि, कहीं कहीं ये 5 जो बीज मंत्र है इनको और पावरफुल माना गया है, राम रिम रुम रम रह, ये 5 बीज मंत्र को इतना पावरफुल माना गया है। अब जैसे ऊपर की सिर से संबंधित कोई भी चीज है, ओम का कर सकते हैं आप, कंठे के लिए राम,
टॉन्सिल है, कंठ से रिलेटेड कोई भी चीज है। अच्छा, बहुत ज्यादा कोई इरिटेट होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, 10 मिनट आप राम की ध्वनि करो, भीतर का सारा एंजाइटी टॉक्सिन सब आपका क्लीन हो जाएगा। हार्ट से रिलेटेड कोई चीज है रिम का, और लीवर से कोई चीज है तो रुम। जिनको भी लगता है हमारा लीवर वीक है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, सिर्फ रुम रुम रुम, और नाभि से नीचे के लिए रम और रह, ये 5 बीज मंत्र अपने पूरे बॉडी के लिए और ओरा को क्लीन करने के लिए इतना पावरफुल है। खैर, जो भी अपन मंत्र बोलते हैं, एक तो मंत्र और एक रंग और एक केंद्र, इनके साथ यदि कोई चीज हम करते हैं तो सोने में सुगंध हो जाता है और रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम सिर्फ काया से कर रहे हैं, न उसके साथ हमारा भाव जुड़ा है, न उसके साथ मन जुड़ा है, एक खाना पूर्ति के लिए हम कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है मंत्र की जानकारी हो, कैसे करें, कहाँ करें, कब करें। तो मैं सोचती हूँ कर्म निर्जरा तो है ही है, आध्यात्मिक विकास के लिए है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। 50ों सिर्फ मैं ही, यदि मतलब मैंने जिन जिन को दिया मंत्र और जो जो रिजल्ट आया, 50ों सैकड़ों घटनाएं मैं बता सकती हूँ कि मंत्र से किसी का यहाँ पर एक आंवला होता है, वैसे यहाँ पर उसका हड्डी बढ़ी हुई है, जो भी था। उसने कहा, समणी जी मुझे डर लग रहा है डॉक्टर को दिखाने में, कहीं कैंसर ना निकल जाए। 21 दिन के भीतर उसका हाथ नॉर्मल हो गया, हमारे रहते रहते, हमारा वहां चातुर्मास था। कैसे हुआ? मंत्र से। किसी के यहां पर गांठ था, मैंने कहा सिर्फ 21 दिन आपको करना है उसकी गांठ क्लीन। किसी का, एक बच्चे का गला ऐसे लटक रहा था जैसे गाय का गर्दन लटकता है, मंत्र से उसका पूरा नॉर्मल। उस बहने का कहां कहां मैंने नहीं दिखाया है। तो देखिए, जितना मुझे लगता है जैनों में जितना मंत्र है, शायद जैन शास्त्रों में शायद कहीं भी नहीं होगा। खुद एक मुस्लिम भाई ने आचार्य श्री से कहा, असाध्य बीमारियों को मैं ठीक करता हूँ, किससे? मंत्र से। और वो जैनों का मंत्र। जो भी है, मंत्र को जानना करना। और मैं बता रही थी, जैसे ये नवरात्रि का टाइम है, नवरात्रि का है, दीपावली का है, होली का है, ग्रहण का है समय है, ये इनमें मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं। ये पूरे कॉस्मोस में एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है जिससे मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो प्रयास करेंगे ये 9 दिन, आप जितना भी, जो भी किसी को चाहिए कि समझे जी मुझे अमुक चीज के लिए चाहिए, तो वैसे आप बता सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं हमको आध्यात्मिक विकास के लिए चाहिए तो वैसे बता सकते हैं। शाम को 9 से 10 एक घंटा जूम में अपन करेंगे, तो प्रयास करेंगे आप लोग। वो भी पावरफुल मंत्र है, एक मंत्र जो अपन कराने वाले हैं, यानी हर प्रकार से। देखिए, जो आपको एकदम जरूरत की चीज है, वो 12,500 यदि आप कर लेते हैं तो वो, हाँ, मंत्र को सिद्ध करने के लिए या 12,500 जाप हो या 1,25,000 जाप हो, सबकी अपनी अपनी एक सिस्टम होता है, एक विधि होती है, तो उतनी संख्या में करें। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो पठित मंत्र होते हैं, तो वो जो मंत्र हम आप लोगों को कराने वाले हैं, वो ये जो अभी नवरात्रि वाला जो आचार्य श्री द्वारा प्रदत्त है, ये भी कराएंगे, प्लस और एक मंत्र उसको भी हम कराने वाले हैं। उससे हर प्रकार का, चाहे मान सम्मान की दृष्टि से देखें, ऐश्वर्य की दृष्टि से देखें, पोष्टि की दृष्टि से देखें, ये मूठ आदि की जो बात की, कोई ऐसा लगता है कि कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, या बहुत ज्यादा हमारे शत्रु बहुत ज्यादा हैं, सब चीज के लिए, यानी ऑटोमेटिक उनका मन चेंज हो जाएगा, उनका नुकसान नहीं होगा, हम मंत्र जाप करेंगे उनका। और साइंस ने भी ये प्रूफ किया है, समय काफी हो रहा है तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगी, लेकिन ऐसी ऐसी देखिए घटनाएं हैं कि व्यक्ति यहाँ मंत्र कर रहा है और इफेक्ट कहाँ होगा, दूर बैठे, दूसरे देश में बैठे व्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत जरूरी है हम
अपने लिए मंत्रों का उपयोग करें और 9 दिन आप विशेष रूप से करेंगे, यानी भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम अरहम। एक घटना जरूर मैं बताना चाहूंगी जो मन से संबंधित बात मैं बता रही थी। एक राजा था, उसके मन में एक प्रदर्शनी लगवाने लगाने की विचार आया और मुर्गे का चित्र बनाया जाए, कंपटीशन रखा। सारे लोग जितने भी चित्रकार थे, बड़े बड़े चित्रकार, मुर्गा बना के लाए। सैकड़ों की संख्या में मुर्गा का चित्र आ गया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, बोलो इनमें सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? उसने कहा, राजन, और वो खुद भी चित्रकार था मंत्री, उसने कहा, राजन, जो असली मुर्गा है उनको इन मुर्गों के बीच छोड़ दिया जाए। जिस मुर्गे के चित्र को देख करके वो लड़ने की स्थिति में आ जाएगा, इसका मतलब है वो सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने कहा, ऐसे कैसे होगा? छोड़ा, सब चित्र के पास वो देखने गया, लेकिन किसी को भी देख करके लड़ने की स्थिति में नहीं आया। राजा ने कहा, ऐसा तो मुझे संभव नहीं लगता, तुम बना के दिखाओ। उसने कहा, बना के दिखाऊंगा, मुझे 6 महीने की अवधि चाहिए। कितना? 6 मंथ। अब 6 महीने बाद राजा ने पूछा, बोलो चित्र बनाया? क्या जवाब दिया? अभी तक नहीं बना है। ऐसे कैसे? मैंने तुमको आदेश दिया था। उसने कहा, राजन, अभी बना देता हूं। और राजा के सामने उसने मुर्गे का चित्र बनाया और मुर्गे को उस चित्र के पास छोड़ा गया। मुर्गा किस स्थिति में आ गया? एकदम लड़ने की स्थिति। राजा ने पूछा, ऐसे कैसे हुआ? देखिए उसने जवाब क्या दिया, 6 महीने तक मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए, मैं मुर्गों के साथ रहता हूं, जैसा ये करते हैं वैसा मैं करता हूं। मुर्गा बने बिना मुर्गे का चित्र संभव नहीं, प्रभु बने बिना प्रभु का ध्यान संभव नहीं है। डूब जाओ, 100% रिजल्ट आएगा। बस सीखना क्या है? वो प्रोसेस सीखना है, वो विधि सीखनी है, हम डूबे कैसे। ठीक है, ओम आराम सामायिक पार लेंगे। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। मन की सावध प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध प्रवृत्ति की हो, काय की सावध प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, इनसे लगे मेरे दोष मिथ्या हो, निष्फल हो। ओम अरहम ओम अरहम। आप और लोग नामी, एक प्रश्न है लोगों का कि हाँ, कैसे पता चलता है कि मंत्र सिद्ध हो गया है? अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न है जूम वालों का, मंत्र कर तो रहे हैं, सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता चले? मंत्र सामने दिखने लग जाए, बड़े बड़े अक्षरों में, स्वर्णाक्षर में, सपोज नौकार मंत्र ही कर रहे हैं आप, नौकार मंत्र ही कर रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में दिखने लग जाए, इसका मतलब है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है या हो रहा है। तो एक सिम्टम ये है। और आप लोग प्रतिभा जी क्यों? नागौरी एक प्रश्न पूछना, सॉरी प्रवीणा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ प्रवीणा जी पूछ लीजिए। हाँ, वंदामि नमः स्वामी समी जी। समी जी, अपने मतलब है ना, ये मतलब कुछ भी करो तो सब ऐसे, भले ही किसी के लिए कितना भी अच्छा करो, सब ऐसे नाराज ही रहते हैं, तो उसके लिए भी कोई मंत्र है वैसा कुछ? ठीक मतलब है कोई खुश नहीं होता है कुछ भी करो। ठीक है, देखिए उसके लिए भी मंत्र है। इसका मतलब देखिए, नाराज रहना ये ग्रहों के साथ भी संबंधित है। एक तो इसके लिए मैं दो तीन चीज बताती हूँ। 1 घंटा मौन डेली करो, 12 से 1, 1 घंटा मौन डेली, करती हूँ। कभी भी छोड़ो ही मत। अच्छा, इससे लोगों परिवार में अपने आप परिवर्तन आएगा, पहली बात। बीच में छूट जाती है, बाकी तो करती हूँ। नहीं, उसको आप छोड़ो मत, प्रयास करो। और अच्छा दूसरा, सूर्य को थोड़ा सा पावरफुल बनाना होगा, तो नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम का जितना जाप कर सकते हैं, और कम से कम
रविवार के दिन इसकी अधिक से अधिक माला यदि फेरी जाए, हो सके तो 10 माला फेरे, और मुद्रा में यदि करना चाहे सूर्य मुद्रा, ठीक है, और एक रविवार के दिन नमक नहीं खाना, तो ये भी एक प्रयास किया जा सकता है, तो वो भी काफी पावरफुल। आचार्य महाप्रज्ञ जी शायद जब से 20-22 साल के रहे होंगे और उन्होंने नमक रविवार को नहीं खाते थे, अंतिम समय तक रविवार के दिन किसी भी दिन नमक का प्रयोग नहीं किया, तो ये प्रयोग किया जा सकता है। तो नमो सिद्धाणम इसकी माला फेरे। और दूसरी बात, कोई कुछ भी करे उनके प्रति भी नेगेटिविटी मत लाओ, ये सोचो कि ये मेरे कर्म निर्जरा में साधन बन रहा है, इतना सा सोच करके समता भाव लाएंगे, और पॉजिटिविटी जितना रखेंगे तो मैं सोचती हूँ अपने आप सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ नैतिक जी कुछ कुछ रहते हैं। जी बोलते हैं ज्ञान से ज्ञान करो सत्य और कलर का ध्यान करो, उस आंख बंद करने के बाद में कलर और उस जगह का ध्यान कैसे। राइट, मैं जस्ट आपको ये कहती हूँ, मेरे हाथ में रसगुल्ला है, आंख बंद करो और देखो दिख रहा है क्या? नहीं अच्छा, रसगुल्ला बोलने के साथ बोलिए, रसगुल्ला दिमाग में आया ही नहीं आया, दिखा या नहीं आया दिखा, दिखा दिखा या नहीं दिखा? दिखा, राइट। मैं कहती हूँ नींबू, ठीक है, अब हमारी बहनें बोलेंगे नींबू बोलने के साथ मुंह में रस आया नहीं आया, आया है ना? इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये कहती हूँ मैं, आंख बंद करके देखो कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे व्हाइट ड्रेस आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिखा, देखा खुद जो पहने हो आंख बंद करके कोशिश करो देखने का, दिख जाएगा। कल्पना, हम कोई भी चीज, अभी आप चाहे खुली आंख है चाहे बंद आंख है, जिसको भी आप सोचेंगे ना, अब पापा को याद करो पापा दिख जाएंगे, है ना, किसी को भी आप याद करो वो दिख जाएगा। इसका मतलब कल्पना से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अब रही बात जिस कलर को देखना चाहते हैं, ठीक है, आप उस पर पहले फोकस करो। जैसे मान लो सपोज यहाँ पर आप सूर्य को देखना चाहते हैं, हाँ, ये जो अभी आज जो भी किया ना चंदे सुनी मलेरा, उसका भी मैं एक सिस्टम बताऊंगी कि कैसे कहाँ पर करना होता है। सूर्य को देखना चाहते हैं तो चाहे तो आप भले लैपटॉप में मोबाइल में या डायरेक्ट सन को देखो, थोड़ी दिन तक देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, फिर आंख बंद करके देखो, ये चीज वहां पर आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा देखना चाहते हैं तो चांद को देखते रहो, फिर उस चीज को कल्पना करो कि वो चांद आपके यहाँ होगा है। मैं यदि अपनी बात कहूँ, जब मैंने ध्यान शुरू किया, छोटी थी मैं, 1 साल तक, या घर छोड़ने के बाद संस्था जब आए, 1 साल तक व्हाइट देखने का प्रयास कर रही हूं तो क्या दिख रहा है? ब्लैक। 1 साल तक मुझे, लेकिन मैं ध्यान में रुचि थी तो मैंने कभी भी ध्यान छोड़ा नहीं। हुआ क्या, अब खुली आंखों से भी सब चीज कर सकते हैं। कैसे हुआ? बस एक दिन में कोई तैर नहीं सकता है, अभ्यास करते रहो अभ्यास करते रहो। और मंत्रों में रुचि की यदि छोटी सी बात बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, वो भी मैं नवदीक्षित ही थी, किसी का डेथ हुआ, वही हम थे, पता नहीं जो भी उस डेथ के साथ इस घटना का कनेक्शन है नहीं है मुझे नहीं पता, जो भी हुआ, अचानक से ऐसा लगा कि प्यास भयंकर लग रही है, और कम से कम 10-12 गिलास पानी पी लिया, ना बैठने की स्थिति ना सोने की स्थिति, और प्यास से ऐसा लग रहा है प्राण निकल रहा है, कम से कम पता नहीं शायद 15 से 20 गिलास भी पी लिया हो तो भी हालत खराब। एक साध्वी जी का ग्रुप वही था, मैंने उनको कहा ऐसा हो रहा है, वो पता नहीं उस समय, अभी तो मुझे पता है कि किस चीज का प्रयोग किए, वो कुछ एक मंत्र बोलते हुए 2 या 3 मिनट मेरे हृदय पर हाथ फेरे, 5 मिनट के भीतर मैं नॉर्मल हो गई। उस दिन के बाद से मंत्रों में ऐसी आस्था पैदा हुई, ऐसा लगा मंत्रों से सब कुछ हो सकता है। और आपका जो उत्तर है,
उस चीज को देखते रहो, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे दिखने लग जाएगा, और एकदम डूब जाओ, जो भी कर रहे हैं भीतर तक डूब जाओ। ठीक है। हाँ भावेश जी बोलिए। अगर आप ध्यान कर रहे हो, पॉसिबल है कि आपका ध्यान भटक हाँ, ध्यान तो जाए करते करते? ध्यान मन की सुनिए, इसमें एक बात बताती हूँ। जैसे अग्नि जल रही है और उसके ऊपर बर्तन को रखोगे और चाहोगे वो बर्तन गर्म ना हो, संभव है। आंधी चल रही है, कपड़े बाहर सुखाए हुए हो, क्या कपड़ा स्थिर रहेगा? वो धूल भी उड़ेगा, मिट्टी भी उड़ेगी। हमारे भीतर कसाईयों की आंधी चल रही है, कसाईयों की अग्नि जल रही है, वहां पर मन ना भटके वो आश्चर्य है ना। हमारा मन उद्दीप्त ना हो वो आश्चर्य है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इतना सा दिमाग में रखो कि वो जो जानवर होते हैं जिनको सर्कस आदि में दिखाया जाता है शो करते हैं, एक जानवरों को भी कैसा ट्रेंड किया जाता है। इस मन को ऐसा हम ट्रेंड कर दे, हम तो संगी वाले मनुष्य हैं। ठीक है। मस्तिष्क और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये अपने आप में एक यूनिक चीज है, तो जैसा चाहे हम मन को ट्रेंड कर सकते हैं। टाइम लगेगा, मन तो भटकेगा, ध्यान करते करते तुरंत अपने आप से कहो भाई तुम भावेश तुम ध्यान कर रहे। ठीक है। और कोशिश करो वापस वहीं पर लाने का, लगाने का। ठीक है। चलिए, और किसी का प्रश्न है? दत्ता बहन का एक प्रश्न है, दत्ता बहन का। हाँ दत्ता बहन बोले। हाँ वंदा मी नमन स्वामी स्वामी ये जी, लास्ट तक है। हाँ आपने जो मंत्रों के शक्ति का बताया बहुत ही ये लगा, लेकिन साथ में आपने जो वो उस बात को भी बताया कि जितने उस उन भाव जिस भावों को आप चाहते हैं उन भावों के अंदर आप अपने मन को सोचते रहे, मतलब मन में वो सोच ज्यादा ही ज्यादा, जैसे कि अरिहंत को करते हैं तो अरिहंत के क्या गुण है उसको यदि मैं देखती जाऊं तो अरिहंत के मंत्र मुझे जरूर काम लगेंगे, लेकिन बहुत इसमें पेशेंस भी बहुत लगेगी मेरे ख्याल से, बहुत पेशेंस, क्योंकि मन तो भागते रहता है, उसको वापस वापस वहां लाना पड़ता है, और लाने के समय उस पे जोर करेंगे तो वो और भी भागता है, इसलिए उसको सही है। तो वही है, बस ऐसा है कि अरिहंत की एक कल्पना कर लो, या भगवान महावीर को देखा है आप लोगों ने, और भी कोई ऐसे किसी को भी, और उसको अपने भीतर देखने का प्रयास करो। बस मैं अरिहंत हूँ, मैं अरिहंत हूँ, मैं अरिहंत हूँ, तो शायद चीज हो सकता है। ठीक है। चलिए, ओम अरहम मंगल पाठ। दत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पन्नतु धम्मो लघुतमो। चत्तारी शरणम पावज्जामि, अरहंते शरणम पावज्जामि, सिद्धे शरणम पावज्जामि, साहु शरणम पावज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणम पावज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणो लख स्मरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। एक प्रश्न प्रतिभा जी काफी देर से वंदना में पूछ रही है, एक उनका ले लो खाली, प्रतिभा जी ना। हाँ प्रतिभा जी, 1 मिनट ले, आप बोलिए। एक बार भले आप लोग खड़े रहो। हाँ प्रतिभा जी पूछ लीजिए। नहीं, मैंने तो बस यही पूछा था।